हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है यहाँ पर आइजक न्यूटन स्टोरी ओके okay, जहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक साइंटिस्ट होके भी ओके okay, और मैथमेटिशियन होने के बावजूद उन्होंने एक बड़ी गलती करी और मिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हुआ एज वेल एज ड्यू टू दिस उनकी ये पास अवे भी होते हुए नजर आए आ, तो इस वीडियो में हम बात इस वीडियो को जाके देखिए आपको चीजें समझ में आएगी और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है जी आर एम ओवरसीज जी आर एम ओवरसीज यहाँ पर देख सकते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक से साबित हुआ है ओके और मल्टी बैगर रिटर्न दिए है मतलब अगर आप बात करें तो इस ये कितने रुपए से यहाँ पर जब पेंडेमिक आया था लगभग लगभग ये आ, ये शेयर सात रुपए का था और आज की डेट में आठ सौ रुपए के आसपास है ओके okay, और अपर सर्किट में यहाँ पर चल रहा है तो जब भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिले मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए क्यों क्योंकि इसके बैलेंस शीट और मैंने यहाँ पर कल की डेट में ऑर्डर लगाया था जब लोअर सर्किट में चल रहा था आज अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है तो क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रेटिव बातें करेंगे जानेंगे स्टॉक से रेटिव बिफोर दैट स्टॉक्स में से आगे बढ़े वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें क्योंकि सीखेंगे तभी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि आने वाले दस साल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक डिकेट के अंदर अंदर बहुत सारे लोग करोड़पति बनेंगे तो आपको करोड़पति बनना है तो पर यहाँ पर चीजें समझने शुरू करिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए दूसरे वीडियोज को जाके देखिए एज वेल एज well यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखा है अगर आप जॉब वाले हैं आप मार्केट में पूरा ध्यान नहीं दे सकते ये पर्टिकुलर नंबर है कांटेक्ट करिए स्विंग ट्रेड करते करते जो हमारा टारगेट है कि सबके अकाउंट में लगभग लगभग करोड़ों रुपए होने चाहिए तो वो करोड़ों रुपए कैसे आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे स्विंग ट्रेड करके पर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज एज वेल एक और नंबर है ओके उसे उसे भी पर कॉलिंग का नंबर है वो यहाँ पर डाल दूंगा तो समझ में आ जाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सपोर्ट करके आपकी बहुत जरूरत है तो यहाँ पर बात करते हैं जी आर एम ओवरसीज की तो जी आर एम ओवरसीज के बारे में आपको मैं कुछ चीजें पॉइंट दिखाना चाहता हूँ दो हजार इक्कीस में ही इसने एक बार दस रुपए का फेस वैल्यू दो में टूटा मतलब नवंबर में अभी टूटता हुआ नजर आया इसके अलावा 2021 में ही मैंने में यहाँ पर बोनस भी दिया है इसने

पर नजर आती है तो हम बात करें जी आर एम ओवरसीज की करती क्या है तो यहाँ पर देखिए जो ये जी आर एर एम ओवरसीज ये जो कंपनी है ये काम करती है राइस में तो यहाँ पर देखिए बासमती राइस इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में ये अपनी चीजें यहाँ पर ये बात कर, सेंड करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर देखिए इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मे, मेलिंग ओके इनकी मील है एज वेल एज बात करें प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस इन द डोमेस्टिक एंड एज वेल एज ओवरसीज मार्केट यहाँ पर देखेंगे इनका प्रेजेंस तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इनका प्रेजेंस यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है अड़तीस कंट्री जिसमें मिडिल ईस्ट यूके यूएसए यूरोप ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ बासमती राइस टू गल्फ रीजन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्लोबली तो ग्लोबल में लगभग पाँच पांचवा इनका स्थान कह सकते हैं और थर्ड स्थान यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज में है यहाँ पर यहाँ पर ये यह अपने प्रोडक्ट्स बेचते हुए नजर आते हैं मतलब राइस करते हुए नजर आते हैं एक्सपोर्ट अकाउंट्स ऑफ 88 परसेंट रेवेन्यू मतलब एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पर 11 परसेंट का रेवेन्यू इनका आता हुआ दिखाई देता है एज वेल एज यहाँ पर बात करें प्रेजेंटली आयरन एलोन

अगर आप बात करें अलग अलग जो कस्टमर्स होते हैं okay, ओके पर कॉन्टेक्ट मैनुफेक्चरिंग कह सकते हैं इस तरीके से करके दूसरों को देना दूसरे अपने का चुपका के बाकी है नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए देखनी चाहिए ये तो यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर विजिट

तो यहाँ पर दो तरीके से काम करते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूं तो यहाँ पर अलग अलग मसालों में भी ये काम करती हुई दिखाई देती है अब बात करते हैं मेन चीज फाइनेंशियल की बिजनेस मॉडल समझ में आ गया राइस में और स्पाइसिस में काम करती है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट कैप चार करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ओके यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप याद रखिए आपकी जो पोर्टफोलियो की सिचुएशन होनी चाहिए यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए लार्ज कैप में ज्यादा मिड कैप में उससे कम और स्मॉल कैप में उससे कम माइक्रो कैप कुछ मिलता है तो माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए बट कंपनी के फ्यूचर देख के एज वेल एज यहाँ पर फाइनेंशियल के कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर यहाँ पर इन्वेस्टर्स है वो सब चीज देख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है तो इस चीज को याद रखिएगा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है पी की बात करें 56 का पी है इंडस्ट्री का 44 का पी है तो यहाँ पर ज्यादा पी दिखाई दे रहा बट स्टिल

नाइन हंड्रेड टाइम्स यहाँ पर ये शेयर होता हुआ दिखाई दिया तो किस्मत जब बदलती है तो एक साथ ही बदलती हुई दिखाई देती है तो आठ रुपए से यहाँ पर उन्नीस हुआ फिर साइड पे चला फिर भागता पे वो दिखाई दिया तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं और भी स्टैंडर्ड नंबर तो यहाँ पर समझ में आएगी कि कंपनी के जो नंबर है ओके यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे रहे यहाँ पर आप देखेंगे घटते हुए दिखाई दे रहे बट यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर के लेवल से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हाइएस्ट एवर पिछले अगर हम बात करते हैं यहाँ यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेप्टेबर से लगभग पिछले दस क्वार्टर से तो हाइस्ट एवर सेल्स यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर हाइस्ट एवर प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा क्योंकि प्रॉफिट इससे पहले भी ज्यादा आया है बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कितने पूरे बारे के बारह क्वार्टर में तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है अदर इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहे वो छोड़ देते हैं इसके अलावा कंसोलिडेट नंबर भी आपको चेक करना है तो कंसोलिडेट नंबर भी यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं हाइएस्ट एवर ही यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे खासे यहाँ पर हुए बट यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दिया जो कि हमें यहाँ पर साफ दिखाई देता है उसी की वजह से भी यहाँ पर एक गिरावट थी तो आप इसके अलावा इयरली बेसिस पे देखें तो इयरली बेसिस पे एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है और 2020 के बाद तो अच्छी यहाँ पर अगर बात करें 2021 में अच्छी खासी यहाँ पर शेयर भागा है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दिया 88 करोड़ रुपीस का जो कि पिछले बारह महीने में इसके अलावा रिजर्व की बात करें कंपनी का वन सिक्सटी थ्री करोड़ के रिजर्व है जो कि पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोराइंग की बात करें कंपनी की बोराइंग कम होती हुई दिखाई दे रही है कभी तीन करोड़ की बोराइंग थी तीन सौ अड़तालीस और अच्छी रेट में एक करोड़ की बोराइंग रह गई है कंपनी की बात करें और भी चीजों की तो यहाँ पर कैश की बात कर लेते हैं कंपनी कितना कैश है कंपनी का नौ करोड़ रुपए का कैश भी है और जितना ही पैसा आता है बुक में दिखाई देता है इसके अलावा

बात करें पब्लिक की तो हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है और बाकी होल्डिंग यहाँ पर रिटेल पब्लिक और भी छोड़ो यहाँ पर ऑपरेटर वगैरह होते हैं जिनकी एक परसेंट से कम की होल्डिंग होगी तो बड़े बड़े लोग वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने देखा था मैंने यहाँ पर ये चार्ट देखा था कि कितना परसेंट यहाँ पर गिरा है तो थर्टी परसेंट यहाँ थर्टी थ्री परसेंट यहाँ गिरा था यह शेयर था और जब गिरा है उसके बाद एक अच्छी खासी रैली फिर यहाँ पर गिरा फिर एक अच्छी खासी रैली इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई दी दिखा थी ट्वेंटी नाइन परसेंट की थर्टी परसेंट की आज ये लोअर सर्किट में था शुरुआत में ओके यहाँ पर देख देख सकते हैं आप लोअर सर्किट में चला गया था और फिर जैसे ही मार्केट अच्छी तरीके से रिकवर हुई ये तुरंत ही अपर सर्किट में चला गया तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलने वाला भी शेयर है इस चीज को याद रखिएगा

तो एक दो बार इसी तरीके से यहाँ पर पैसे कमा के अच्छा पैसा यहाँ पर बन सकता है जी आर एम ओवरसीज आ, यहाँ पर देखिए अपर सर्किट में ऊपर चले जाए अपर सर्किट में फंसने की कोशिश मत करिएगा अपर सर्किट अपर सर्किट लगे तो अभी अगर मिल जाता है यहाँ पर तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके अदरवाइज किसी और को ब्लेम करने की आपको जरूरत नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें क्योंकि दूसरों को अगर आप ब्लेम करेंगे कि हाँ अपर सर्किट लोअर सर्किट में फँसवा दिया चीज़ें दिखा दी चीज़ें समझा दी है वो आपका डिसीजन है आपको क्या क्या लेना है मेरा डिसीजन क्या है वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो वो यहाँ पर आप देखिएगा सो so, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही चैनल ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे और ग्रो होता रहेगा सो थैंक यू सो मच कॉन्प्लेस